नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज की क्लास करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान नदी अफवाह तंत्र, यानी कि जो लोग पीएससी प्री एग्जाम व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए खासतौर पर वीडियो लेकर आया हूं। छोटा सा वीडियो, लास्ट तक जरूर बने, चैनल पर है जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सीजी व्यापम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से। आगामी एग्जाम यानी कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो पर जुड़ जाइएगा, नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के नदी अफवाह तंत्र, यानी कि अफवाह तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चन आता है, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, लास्ट तक जरूर बने रहे अगर तैयारी करना चाहते हैं व्यापम पीएससी की। तो चलिए आज की बात करें तो छत्तीसगढ़ नदी अफवाह तंत्र में, तो छत्तीसगढ़ नदी अफवाह तंत्र आपको 5 भागों में बांटा गया, यानी कि छत्तीसगढ़ में जल प्रवाह की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है नदी अफवाह तंत्र। वो कौन कौन से हैं तो आप जिनको पता है कमेंट में बताइएगा, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्शा मैं आपको बता दिया, एक ऐसे ही नक्शा बनाया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ये यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है नदी अफवाह तंत्र को। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला नदी अफवाह तंत्र आपका महानदी अफवाह तंत्र, उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड नंबर में गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, उसी प्रकार आपका तीसरा में आ जाएगा सोन नदी अफवाह तंत्र, उसी प्रकार आपका आ जाएगा ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, और लास्ट में आ जाएगा नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो चलिए देखते हुए 5 नदी अफवाह तंत्र। तो नदी अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नदी अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 भागों में किस प्रकार बांटा गया है। पहला है आपका महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नदियों को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, 5 भागों में कौन कौन सा है, पहला है महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा है आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, गोदावरी, एक मिनट ना, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, उसी प्रकार आपका आ जाएगा सोन नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, सोन नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, सोन नदी अफवाह तंत्र, उसी प्रकार आपका आ जाएगा ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र चौथा। ठीक है, यह आपका आ जाएगा ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, और उसी प्रकार लास्ट में आपका आ जाएगा नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, ये जो आपका महानदी अफवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अगर एग्जाम में आपको लिया जाता है कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र है। अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र सेकंड नंबर में कौन सा है तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र वह दूसरा नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो महानदी अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में आपका है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, ये जो सोन नदी अफवाह तंत्र है उसको गंगा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है, ये आपका सोन नदी अफवाह तंत्र हो गया। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये तीसरा नंबर का, और ये आपका चौथा नंबर का है ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, और सबसे छोटी नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है। यानी कि आप देख सकते हैं जो नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, और जो ब्राह्मणी नदी है यानी कि ये आपका चौथा नंबर का है, जो गोदावरी नदी है आपका दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में देखिए सबसे दक्षिण की ओर स्थित कौन सी नदी है तो आप बताएंगे गोदावरी नदी स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार जो महानदी अफवाह तंत्र है ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे इसके प्रतिशत के बारे में, उसके बाद हम किलोमीटर देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो महानदी अफवाह तंत्र है, नोट करते जाइएगा, महानदी अफवाह तंत्र है ये आपका आ जाएगा 56.5
महानदी अपवर्तनांक आपका 56.15 यानी कि 1.5। उसी प्रकार आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं 56.15%, ठीक है, 56.15% आएगा आपका महानदी अपवाह तंत्र। उसी प्रकार हम बात करें गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की, तो यह आपका 28.64, ठीक है, 28.64% ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार सोन नदी अपवाह तंत्र आ जाएगा 13.63% आ जाएगा। उसी प्रकार ब्राह्मणी नदी की बात करें तो आपका ब्राह्मणी नदी है 1.03% आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका नर्मदा नदी है जो छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, वो आपका आ जाएगा 0.55%, कितना 0.55% होगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो नदी अपवाह तंत्र है इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका महानदी अपवाह तंत्र हो जाएगा, उसी प्रकार दूसरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा, और तीसरा है सोन नदी अपवाह तंत्र यानी कि गंगा नदी अपवाह तंत्र जो आपके छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका चौथा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, और पांचवा की बात करें तो आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है जो कि सबसे छोटा अपवाह तंत्र आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। और जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के दक्षिण की ओर पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब किलोमीटर के बारे में आप देख लेते हैं, ठीक है, कितना हजार किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा यहाँ पर महानदी जो अपवाह तंत्र है आपका 56.15% है। उसी प्रकार गोदावरी नदी अपवाह तंत्र आपका 28.64% हो जाएगा। उसी प्रकार सोन नदी अपवाह तंत्र 13.63%। उसी प्रकार ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र 1.003%। उसी प्रकार नर्मदा नदी अपवाह तंत्र 0.55 यानी कि 0.55%। अब हजार किलोमीटर की बात करें तो ये जो है महानदी अपवाह तंत्र है आपका हो जाएगा 77.43 हजार किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है 36.49 किलोमीटर। उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा जो सोन नदी अपवाह तंत्र है यानी कि छत्तीसगढ़ की ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर, छत्तीसगढ़ की उत्तर की ओर जो नदी है गंगा नदी वो आपका हो जाएगा 18.78, ठीक है, 18.789 किलोमीटर। इसको नोट करती हुई चलिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, आपके प्रतिशत में पूछ लिया जाता है, या फिर हजार किलोमीटर में पूछ लिया जाता है। अगर ये भी पूछ लिया जाता है महानदी की कितना प्रतिशत है तो आप इसको बताएंगे, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में 102 नंबर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब बात करें जो ब्राह्मणी नदी है ये आपको किलोमीटर में है तो 1.42 हजार किलोमीटर। ये आपको बात करें तो 750, ठीक है, ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र 750 किलोमीटर मात्र, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। तो अब देखेंगे जो महानदी अपवाह तंत्र है, ये आपका हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, जो महानदी अपवाह तंत्र है इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसे क्या पता है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके पीएससी प्री एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पूरा। आप देखिए 5 भागों में बटा गया था, तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है आपका महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र के बारे में बिल्कुल क्लियर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए महानदी अपवाह तंत्र में का उद्गम होता है आपका सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत, ठीक है। महानदी जो अपवाह तंत्र है इसका जो उद्गम होता है आपका सिहावा पर्वत के फर्सिया नामक स्थान से, फर्सिया, इसको याद रखिएगा एग्जाम में आता है, फर्सिया नामक स्थान से यानी कि धमतरी, ठीक है, धमतरी से इसका प्रवाह होता है। यानी कि महानदी अपवाह तंत्र आपका जिसका उद्गम स्थल है आपका सिहावा पर्वत के फर्सिया नामक स्थान से यानी कि धमतरी से इसका प्रवाह होता है। अब विसर्जन की बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखिए महानदी का जो अपवाह तंत्र है इसका विसर्जन आपका कटक यानी कि ओडिशा से,
ठीक है, जो इसका अपवाह तंत्र का जो विसर्जन होता है आपका, यानी कि मुहाना यानी कि ओडिशा से, ठीक है, जो इसका ये आप याद रखिए कटक कहाँ है, ओडिशा में है इसका विसर्जन। और ये महानदी की कुल लंबाई, यानी कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 858 किलोमीटर। ठीक है, महानदी का जो कुल लंबाई है आपका 858 किलोमीटर, इसको नोट कीजिएगा 858 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना किलोमीटर फैला हुआ है, 858 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाए, छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी के बारे में बताया गया है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी जो प्रवाह है, छत्तीसगढ़ में जो बह रही है 286 किलोमीटर। ठीक है, 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में महानदी का जो प्रवाह है 246 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो 858 किलोमीटर बताइएगा। ठीक है, महानदी जो यहाँ पर फैला हुआ है आपका कुल, यानी कि टोटल 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में जो है महानदी अपवाह तंत्र आपका 286 किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो 286 किलोमीटर आप बताएंगे। अब देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र के प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, तो महानदी अपवाह तंत्र के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी, इसको नोट करके रख लीजिएगा, महानदी के सबसे प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी है, इसको नोट कर लीजिएगा, शिवनाथ। ठीक है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि महानदी की प्रमुख सहायक नदी उत्तर की ओर बहने वाली, ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां देखेंगे, उसके बाद दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, जो महानदी अपवाह तंत्र है तो ये इधर से, यानी कि उत्तर की ओर जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए क्या, यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए यहां तक नोट कर लिए क्या, चलिए अब महानदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, महानदी की जो सहायक नदी है हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर सहायक नदी देखेंगे, उसके बाद आप दक्षिण की ओर सहायक नदियां देखने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर की ओर प्रमुख सहायक नदी देखेंगे, कौन कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शिवनाथ नदी, कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी, नोट करते जाइएगा शिवनाथ नदी। उसी प्रकार आपका यहां से हो जाएगा केलो नदी, नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक मिनट, शिवनाथ नदी हो गया, उसके बाद हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, केलो नदी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा बोराई नदी, केलो नदी। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले शिवनाथ नदी हो गया, हसदेव नदी, बोराई नदी, केलो नदी, मांड नदी, इधर आ जाएगा आपका मांड नदी। ठीक है, मांड नदी, उसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा आपका लात नदी। ठीक है, ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट ना, ये लात नदी नहीं है, ये आपका ईब नदी। ठीक है, ये आपका ईब नदी हो जाएगा, यानी कि महानदी की जो उत्तर की ओर सहायक नदियां हैं आपका, पहला आ जाएगा शिवनाथ नदी, दूसरा है हसदेव नदी, उसके बाद बोराई नदी, केलो नदी, मांड नदी और आपका ईब नदी। अब देखेंगे इधर से, यानी कि दक्षिण की ओर प्रमुख सहायक नदी देखने वाले। ठीक है, दक्षिण की ओर प्रमुख सहायक नदी देखेंगे। चलिए अब देखते हैं दक्षिण की ओर सहायक नदी कौन कौन सी है। तो दक्षिण की ओर सहायक नदी आपका आ जाएगा दूध नदी, उसके बाद आ जाएगा सिलियारी नदी, दूध नदी, उसके बाद सिलियारी नदी, उसके बाद सोंडूर नदी। इसी प्रकार आपका जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा पैरी नदी, कौन सी है, पैरी नदी, उसके बाद है आपका सूखा नदी,
उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सी नदी आएगा जल्दी से बताइएगा, दूध नदी हो गया, सिलियारी नदी, सोंडूर, पैरी, सूखा, और कौन सी नदी है जल्दी से बताइएगा, कौन कौन सा बचा है, जोंक नदी बचा है, जोंक नदी। उसके बाद लात नदी, मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, मैं लात नदी लिख गया था, ये आपका इब नदी इधर आ जाएगा, ये आपका लात नदी नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपका हो गया दक्षिण की ओर सहायक नदियां। ठीक है, दक्षिण की ओर प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, दक्षिण की ओर प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी होगी, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंडू नदी, पैली, सूखा, जोंक और लात नदी। ठीक है, ये आपका 7 हो गया दक्षिण की ओर प्रमुख सहायक नदी। अब देखिए जो उत्तर की ओर सहायक नदी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि महानदी का सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा सबसे बड़ी और सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी बहने वाली, तो आप बताइएगा शिवनाथ नदी। ठीक है, और शिवनाथ नदी का जो आपका आएगा 290 किलोमीटर। ठीक है, 290 किलोमीटर है शिवनाथ नदी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि महानदी का, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महानदी की प्राचीन नाम क्या है, महानदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो आप बताइए कनक नंदनी। कहां से है, कनक नंदनी। ठीक है, कनक नंदनी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे प्राचीन नाम, प्राचीन नाम अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महानदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो कनक नंदी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है अगर सतयुग में, अगर सतयुग में पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा, सतयुग में पूछा जाए तो नीलोत्पला, नीलोत्पला। ठीक है, द्वापर में अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अगर द्वापर में पूछ लिया जाता है तो आप बताइएगा चित्रोत्पला। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर द्वापर में पूछ लिया गया है, द्वापर में महानदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताइएगा चित्रोत्पला। ठीक है, चित्रोत्पला। ठीक है, चित्रोत्पला, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं आपको इधर और ये इधर बता दिया हूँ। ठीक है, अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कहीं पर आप मिस्टेक होगा इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये ठीक है, यहाँ तक आपका महानदी की ओर कंप्लीट हो गया। कल हम देखने वाले हैं आपके लिए ये महानदी की क्लास, आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कल से देखेंगे गोदावरी नदी, ये जो कि छत्तीसगढ़ की दक्षिण की ओर है। कल देखेंगे गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गोदावरी नदी से। उसके बाद सोन नदी देखेंगे, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, उसके बाद नर्मदा नदी देखेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में पूरा क्लासेस करवा दूंगा, ये जितने भी बचे हैं 4 टॉपिक। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा लंबा हो गया, महानदी वाला जो सवाल था वहां से आपका लंबा हो गया। ठीक है, कल जो 4 बाकी है उसका मैं पार्ट 2 में डिवाइडेड कर दूंगा। ठीक है, और जो लोग व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते थे हमारे चैनल पर, बिल्कुल कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।